सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग न्यू चैप्टर टेंजेंट टू अ सर्कल। इसमें हमने दो थ्योरम देख लिए, एक तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एंड एक है आपका टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल इन लेंथ। तो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ये जो दूसरी थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एक पैरामीटर ले लेते हैं। सपोज करो पैरामीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज नोन एज पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और इस सर्कल को इन सर्कल भी बोलते हैं, इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सपोज ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है, तो आपको मिलेगा ए ई इज इक्वल टू ए एफ। ध्यान रखो, डोंट राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपको मिलेगा ए ई इज इक्वल टू ए एफ, और यहाँ मिलेगा बी ई इज इक्वल टू बी डी, और यहाँ मिलेगा सी डी इक्वल टू सी एफ। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। कौन कौन से, यहाँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही लेंथ मानी जाती है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है टिल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ सपोज वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब इनसाइड वन इनसाइड अदर, इसका रेडियस कितना है 5, ए बी इज 5, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्वार्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। उस ए बी की लेंथ निकाली जो अंदर वाले सर्कल को टच करता है, मतलब ए बी इज अ टेंजेंट टू सर्कल इनसाइड सर्कल, राइट। तो अपने को मिलेगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो उसमें क्या लिखेंगे, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज द थ्योरम से रेडियस, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिस इज अ क्वेश्चन थर्ड ऑफ 13.1। क्वेश्चन थ्री, वी आर डूइंग रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लिखने से आपको क्या मिला, आपको मिला कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब दूसरी थ्योरम लगाते हैं सर्कल, बड़े वाले सर्कल में दिस इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल ऑल्सो, दिस इज 90 डिग्री, सो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये मिल जाएगा आपको ए डी इज इक्वल टू बी डी। अब आप देखो टोटल लेंथ, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये दे रखा है आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू बी डी दे दिया, तो आपको ये निकालना है एंड दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी की लेंथ आ जाएगी, हाँ ए डी की लेंथ आ जाएगी आपके पास ए ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ए ओ स्क्वायर 5 माइनस 3 आपको मालूम है 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा आपका रूट 16 यानी 4। ए डी अगर 4 है तो बी डी भी 4 आ जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट इस 4 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बोलता है कि एक सर्कल है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर टेंजेंट बनाए, और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर आया, तो अब ये बोलता है व्हाट इज द रेडियस। सिंपल, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है, यू नो दैट दिस इज ओ ए बी, सो ए ओ बी इज द हाइपोटेन्यूस, तो क्या मिलेगा आपको ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज आर 100 माइनस 16 यानी रूट ऑफ 84 आ गया आपके पास, ये आर का लेना, तो रेडियस आ गया रूट 84, रूट 84 में 4 को कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा आई थिंक 2121, तो रहेगा 2√21, ठीक है, सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ऑफ टच इज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल को टच करता है सर्कल, सो एक सर्कल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है,
किस ऑफ साइड को टच करता है इसे, ठीक है, इसको ले लेते हैं ए बी सी डी एंड इट सेज दैट ऑल फोर्सेस ऑफ एबीसी डेंटेंस सच दैट इट डिवाइड्स ए बी ए बी इन 3:1, ए बी का कहीं रेशियो 3:1 दे रखा है, मतलब इधर 3 और इधर 1 है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ए बी 8 भी दे दिया, ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो अब 3 और 4 में कन्वर्ट कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 3/4, ये जो पार्ट है मान लीजिए इसको मान लो पी क्यू आर एस, तो ए पी आ जाएगा आपका टोटल 4 है, ये 3 पार्ट है, 3/4 ऑफ 8 मतलब 6 सेंटीमीटर, और पी भी आ जाएगा रिमेनिंग यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं फाइंड द रेडियस सर्कल वेयर ओ ए इज 10 सेंटीमीटर, तो ओ इज द सेंटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, फिर से ये तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया, लिखेंगे ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, ठीक है, तो ओ पी की वैल्यू आएगी 10² - 6² मतलब 8 सेंटीमीटर, so that is radius of the circle is 8 cm, Pythagorean triplet से question हो गया, ठीक है, तो basically आप बाकी question try करिए, और एक theorem करेंगे हम angles of alternate segment, मतलब alternate segment theorem, ठीक है, तो उसके पहले एक question कर लेते हैं, in circle, in radius निकालते हैं एक circle का, मतलब एक triangle है, तो suppose कर एक standard triangle लेते हैं, बहुत simple सा triangle है, A, B, C, ये जो साइड है मान लीजिए बी सी 15 है, इधर 14 है और इधर 13 है, ठीक है, और आपको निकालना है इसका इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है उसका रेडियस क्या होता है, ठीक है, तो आप सीख लो इसका जो रेडियस होता है इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज द सेमी डेल्टा इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो आप एरिया भी हेरॉन फॉर्म में से निकालेंगे, तो वो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, तो आपको ये जो क्वांटिटी मिल रही है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपको मिल रहा है डेल्टा, और सेमी पेरीमीटर होता है एस, तीनों का प्लस करके डिवाइडेड, तो अगर तीनों को प्लस करेंगे तो 42 आएगा और एस आएगा 21, तो बेसिकली यहाँ डाल देते हैं, तो बेसिक क्या होता है 21 माइनस से 15 6 21 माइनस 14 7 एंड 8 ये आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप, तो बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 7 × 3 2 × 3 × 7 × 4 × 2 समथिंग लाइक दिस, स्क्वायर रूट मिलेगा 7 3 2 और 2, तो ये मिल गया आपका एरिया, दिस इज द एरिया राइट 21 × 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर 84, और सेमी पेरीमीटर आपको मालूम है कितना था 21 था, तो इसका रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, कैसे निकाला, इस ट्रायंगल का हेरॉन फार्मूला से एरिया आया, एरिया कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी पेरीमीटर हमारा आ रहा है 21, ठीक है, देख लो एक बार 15 और 13 होता है 28, 28 का 14, 42 डिवाइड बाय 2 इज 21 और 84 डिवाइडेड बाय 21 इज 4, सो इस इन रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, सो विल डू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इन द नेक्स्ट क्लास, सो सी इन द नेक्स्ट क्लास।